Hello everyone, my name is Mohit Malhotra and welcome to Vigo Commerce Education Academy. Okay, the finally the day has come after so many requests from the students. Ki sir, kai kehte the mujhe ki sir, aap ek kaam kijiye, YouTube pe Corona channel ek banaiye aur video share kijiye, right? Kyunki hamara classes mein aana kafi difficult ho jata hai. क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जॉब करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो उनका इजीली ऑफिस से और घर जाना और टाइम ना निकाल पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था. तो कई स्टूडेंट ऐसे होते थे, आते थे, लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से नहीं हो पाती थी. देन अगेन लास्ट सिक्स ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी थिंग, यू नो, हर्ड सो मैनी थिंग फ्रॉम, ऑल्सो रिसीव सो मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि कीजिए. तो फाइनली डे हैज कम. I'm gonna start telecasting my first video of mathematics, right, for the BCom students, especially for the BCom students. This is a subject in the second year, right, which is, I know, students think that this is very difficult, but it's not going to happen, right? Okay, so before we start, I would like to take a moment to tell you about Vigo Commerce Academy, right? We established this academy in 2012. इनिशियल डेज हम 12th स्टैंडर्ड तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, राइट. उसके बाद हम लोगों ने 2 से 3 साल के बाद हमने अपने कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आने लगी हमें कॉलेज स्टूडेंट्स की कि सर आप ये भी पढ़ाते हैं. देन वी स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स बीकॉम के लिए भी. इसके अंदर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमने फोकस करना शुरू किया. तो हमने स्टार्ट करते करते टुडे इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, राइट. इट हैज बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर फॉर मी, राइट. सो आफ्टर ऑल दिस थिंग्स आई थिंक दिस इज अनदर आई वुड से गुड एक्सपीरियंस फॉर मी दैट आई एम ऑन यूट्यूब एंड आई विल ट्राई टू डिलीवर माय बेस्ट एक्सपीरियंस एंड यू नो लर्निंग नॉलेज व्हिच आई हैव ऑलरेडी. ओके, okay, let's start with the first session we are talking about is BM, Business Mathematics and Business Statistics as well. So this subject is in our BCom past second year. Hopefully it will be in BCom honors as well. Most of the topics are similar, but for BCom past, this will really helpful, I would say completely helpful. For the rest of the session, that is BCom honors, right, I would suggest to wait for a few lectures as well, right, and definitely work on it as well. So let's start, guys. So in business math and statics, we have 2 subjects. I would say this subject I would say divided into 2 parts. The first thing is BM, business management. Business maths, and the second thing is business statics. ये जो subject आप देख रहे हो, 2 चीजों में divide है, right? दोनों अलग-अलग subject हैं और हर दोनों subject में तुम्हें individual clear करना is mandatory. आप जब exam में clear करोगे और इसके अंदर जब जाओगे तो मेक श्योर कि आप इन दोनों की प्रिपरेशन इक्वली ही करके जाओ, क्योंकि अगर आप सोच के जाते हो कि इसके 50 मार्क्स जिसे अगर मैं वेटेज की बात करूं तो ये सब्जेक्ट जो हमारा ओवरऑल जो कवर अप होता है इसके अंदर वेटेज होती है वो है हमारी 50 मार्क्स की, राइट. ये 50 मार्क्स के अंदर कवर अप होता है और इसकी अगर बात करें तो ये हमारा होता है 25 मार्क्स, राइट. ओवरऑल बनके जो हमारा जो सब्जेक्ट बनता है वो बनता है हमारा 75 मार्क्स का, राइट. तो मेक श्योर कि आप इसकी प्रिपरेशन इक्वली ही कर रहे हो जितनी आप बीएससी कर रहे हो. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि बीएस पे ज्यादा फोकस करते हैं तो बीएम पे नहीं करते, कहते हैं कि हमेशा नहीं आना, 2 चैप्टर ही करके जाएंगे. बट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज प्रिपेयर फॉर बोथ इक्वली, राइट. इन बीकॉम अगेन आई जस्ट टोल्ड यू दैट दिस इज अ 25 मार्क्स सब्जेक्ट,
और इसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे, जो चैप्टर्स होंगे, जो कवर हैं, वो हमारे हो रहे हैं 4 चैप्टर। उसी की बेसिस पे ही सारा कुछ पढ़ा जाएगा। पहला चैप्टर जो है इसके अंदर वो हमारा है मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशंस। अब मैट्रिक्स कई सुना सुना सा वर्ड लग रहा है देखा जाए तो, ऑब्वियसली हमने ये चीज 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, राइट? लेकिन वहां पर हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी थी, तो यहाँ पर हम वही चीज कवर अप करेंगे, बेसिक भी करेंगे और बीकॉम स्टैंडर्ड भी करेंगे, क्योंकि बीकॉम के अंदर एप्लीकेशंस कवर अप होती हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मैथ्स उनके पास, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 10th पे जाना नहीं, 10th क्लियर करने के बाद 11th 12th में जब आते हैं तो वो विदाउट मैथ लेना पसंद करते हैं कॉमर्स, राइट? तो उनके लिए मैं आपको बेसिक भी कवर अप करूंगा और एप्लीकेशन भी। तो आपको कहीं फील नहीं होगा कि आपने 12th में नहीं पढ़ी है तो ये चीज मुझे समझ नहीं आएगी। तो प्लीज अपने दिमाग से डाउट निकाल दीजिए और आप मैट्रिक्स तो सीखेंगे साथ साथ उसके एप्लीकेशन दोनों इक्वली ही सीखेंगे, राइट? दोनों चीजें आपके लिए इस तरीके से होगी एज अ फ्रेशर। डोंट थिंक दैट कि मैं बेसिक कवर अप नहीं करूंगा, आपको पहले से आता है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो मैट्रिक्स के साथ साथ एप्लीकेशन दोनों कवर अप करेंगे। द सेम थिंग, एक चैप्टर हुआ करता था 12th में डेरिवेटिव, वी ऑल्सो कॉल इट एज डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, राइट? बेसिक भी पढ़ाऊंगा और एप्लीकेशन भी पढ़ाऊंगा, और इससे आपका 12th कवर अप हुआ होगा तभी आप एप्लीकेशन कर पाओगे, राइट? बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फर्दर फ्यूचर के लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? तो बेसिक कवर अप करूंगा, देन वी वर्क ऑन एप्लीकेशन टुगेदर। थर्ड हम जो पढ़ेंगे इसके अंदर, वो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के साथ साथ इसकी एप्लीकेशन, ये भी चैप्टर सुना सुना है। ये तीनों टॉपिक जो हमारे 12th में कवर अप होते थे। फोर्थ जो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे फाइनेंस। ये जो चैप्टर है डेफिनेटली जब आप इस पे आओगे तो आप समझोगे कि ये चैप्टर भी कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था, 6th में पढ़ा था, 7th में पढ़ा था, बट डेफिनेटली ये भी पढ़ा हुआ है, राइट? इन चारों सब्जेक्ट की अगर बात करें, टोटल जो है वेटेज हमारी 25 मार्क्स की है। हम इस सब्जेक्ट के अंदर ये चीज कवर करेंगे, राइट? अगर मैं बात करूँ BS की, इसके अंदर जो पहला चैप्टर आता है हमारा, वो आता है मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? थर्ड इसके अंदर आता है हमारा, थर्ड इसके अंदर जो हमारा कवरेज होगा वो होगा वेरिएशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, राइट? इसमें द सेम थिंग, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, देयर सो मेनी टॉपिक इनसाइड, राइट? एंड देन इसके अंदर आता है आपका डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, राइट? डिसाइल्स या परसेंटाइल्स भी आता है। तो इसके अंदर काफी डिफरेंट डिफरेंट छोटे मोटे टॉपिक होते हैं जो हम लोगों ने कभी ना कभी इकोनॉमिक्स में पढ़े थे 9th स्टैंडर्ड में, या फिर बचपन में पढ़े थे, या फिर 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, आपको वो चीज रिकॉल होगी। बट डेफिनेटली इसके अंदर एडवांस लेवल होगा, कुछ नई चीजें आएंगी, नई तरीके की क्रिटिकलिटीज आएंगी, उन क्रिटिकलिटी को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा आई विल डेफिनेटली गोना टॉक अबाउट। फिफ्थ टॉपिक इसके अंदर हमारा आएगा, वो आएगा टाइम सीरीज, राइट? ये भी हमने पढ़ी हुई है 9th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स के अंदर। टाइम सीरीज के बाद इसके अंदर हमारा आता है कोरिलेशन, ये भी सेम थिंग, 9th हमने कवर अप करी थी, वो भी इसके बारे में पढ़ेंगे। 7th इसके अंदर जो चीज है हमारी कोरिलेशन के बाद, वो हमारा आता है रिग्रेशन एनालिसिस, ओके? इसके अंदर जो 8th टॉपिक आता है वो हमारा होता है टाइम सीरीज कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस एंड यस ट्रेंड वैल्यूज, ओके? तो ये ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर है जो कि बिजनेस स्टैट्स में कवर अप होता है। ये जो 4 टॉपिक आप देख रहे हो, ये चारों के चारों का एक ही चैप्टर है, बट इसको 4 में इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि इनके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्रिटिकलिटीज है, तो वी विल रिजॉल्व इट टुगेदर, राइट? इजिली इजिली हम करेंगे हर चीजों के ऊपर काम। इसके बाद टाइम सीरीज कोरिलेशन रिग्रेशन एंड ट्रेंड वैल्यूज, ये सारे के सारे हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट? वी विल गो वन बाय वन इन लेटर लेक्चर्स। So, okay, guys, is there any question regarding this chapter, regarding this
structure or you know the overall syllabus of this subject, please you can write your comment on the below YouTube you know page, right, where you can mention your questions, how it will get covered up and आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, इतने time में clear होगा सब कुछ, ये चीज हम उसे कुछ भी पूछ सकते, definitely I will answer you, okay, I will definitely present everything, I will resolve your all the queries to the next year, I would say in the next lecture, definitely for that, okay. Let's start with first subject, business mathematics, okay. I'm working on 25th marks ki book, jo ki hai business mathematics. Let's start guys. जो बिजनेस मैथ्स है ना फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं हम, उसका नाम है फाइनेंस, राइट. अब फाइनेंस के अंदर क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी, क्या क्या टॉपिक कवरेज है इसकी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. इसकी जो कवरेज आती है पहली, दूसरी, तीसरी, द फर्स्ट थिंग जो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट, राइट, इसको हम कहते हैं SI. दूसरा इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं CI, राइट. इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम ई से डिनोट करते हैं. इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट वैल्यू, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन, राइट. जैसे हमने अकाउंटिंग में काफी टर्म सुनी है बट ऐसी यहां नहीं है गाइस, बट यस टर्मिनोलॉजी एंड the I would say the meaning of this the concept would be same, but to calculate this depreciation amount is something different, right. There is another formula to calculate, right. तो उसके बारे में सीखने वाले हैं. इसके अंदर SLM भी आएगा, इसके अंदर हमने सुना है, बट WDV भी आएगा जिसको हम diminishing balancing method भी कहते थे. हुआ करता था ये सब कुछ, राइट, बट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इट्स अ मैथ नॉट अकाउंट्स, राइट. तो हम चीजों को डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करेंगे. सिक्स इसके अंदर आता है कॉन्सेप्ट हमारा, वो जो होता है कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशन कॉन्सेप्ट, राइट. मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हो गया कि ऊपर में से जितने भी कॉन्सेप्ट हमने जो लिखे हैं SI, CI, इफेक्टिव प्रेजेंट वैल्यू, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस, इन सिचुएशंस का कंबाइंड क्वेश्चन आ जाएगा पेपर के अंदर. तो उस कंबाइंड क्वेश्चंस के अंदर कैसे रिजोल्व किया जाएगा, कैसी क्वेरीज आएंगी, उसको हम अलग तरीके से सीखेंगे, राइट. लेट्स डिस्कस विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. मैं डिटेल में इतना नहीं लिखा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, वी विल डिस्कस विद द यू नो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट, ओके. SI. अब सिंपल इंटरेस्ट के अंदर और फुली चैप्टर के अंदर चार चीजें सिमिलर हैं जो तुम्हें देखने को मिलेगी,
पहले हम टर्म्स को पढ़ लेते हैं जो टर्म्स यूज होंगी. फर्स्ट टर्म जो यूज होगी डेट इज पी, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, राइट. सेकेंड चीज जो यूज होगी वो हुआ ए. ए मतलब हो गया अमाउंट. एक होता है आई, या फिर हम कह सकते हैं आर, जिसको बोलते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. दूसरी होगी इसमें टी, दैट इज टाइम पीरियड, कितने साल के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है. ओके, तो इन सारी इंडिविजुअल चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूं. पी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब हो गया कितना अमाउंट आप अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, पर्पस के लिए जो आप इन्वेस्ट करते हो. जैसे मैं बोलूं बैंक में अगर आप किसी पैसे को डिपॉजिट करते हो एज अ एफडी, एज अ सेविंग अकाउंट, एज अ डिफरेंट पोस्ट ऑफिसेस के अंदर आप अपनी पीएफ के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हो, या आप किसी एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हो, किसी भी तरीके की डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स करते हो, उनके ऊपर जो आप जो अपनी जेब से पैसा इन्वेस्ट करते हो उस पैसे को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल. व्हाट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, राइट. रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट दे विल प्रोवाइड मी ऑन माई प्रिंसिपल अमाउंट, राइट. जैसे कि 8% इंटरेस्ट 8.24 मिलता है आपको पीएफ के ऊपर, एफडी का मान 9% मिलता है, तो 9% आपका क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी. टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आपने डिपॉजिट करा, 5 years, 2 years, 1 year, 6 months, 1 month, whatever it is, right? अब बात करते हैं अमाउंट क्या होता है. अमाउंट का मतलब होता है कि मैंने कुछ पैसा 5 साल के लिए जमा करा, मैंने एक एफडी कराई 8% पे, 50,000 रुपीज मैंने डिपॉजिट करे बैंक के अंदर, 50,000 इज माई प्रिंसिपल, टाइम पीरियड इज 5 years, इंटरेस्ट रेट मान लेते 9% है, राइट. जो मुझे 5 साल का पैसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो जो पैसा मिलेगा मुझे, जो कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा मेच्योरिटी में, दैट विल बी ट्रीटेड एज अमाउंट, वो मेरा क्या होगा, अमाउंट. तो ये चारों टर्मिनोलॉजीज ना क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से डिस्क्राइब की जाती है, कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है, अमाउंट दिया है या फिर प्रिंसिपल दिया है. तो बिफोर यू गो फर्दर फॉर द प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर आने से पहले आपको इनकी चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस चीज को कनेक्ट कर पाओगे एग्जैक्टली कि प्रिंसिपल का मतलब क्या है, अमाउंट का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, और आपको दिया एग्जैक्टली में क्या है, क्या निकालना चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं आपसे, व्हाट एग्जैक्टली दे आर डिमांडिंग टू फाइंड आउट. अगर इन कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो नहीं समझ पाओगे, राइट. तो इन चारों चीजों के बारे में कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी चीज पूछ रहा हूँ, तो प्लीज यू कैन राइट अ कमेंट अगेन आई से. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस और द फॉर्मूला. ओके, हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट. एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी. व्हाट इज दैट, कितना मैंने डिपॉजिट करा, उसके बाद कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको लिया, और टाइम पीरियड के लिए मैंने जमा करा, उनको मैं अगर कैलकुलेट कर लू तो मुझे पता लग जाएगा मुझे इस अमाउंट में प्रिंसिपल के ऊपर कितना एग्जैक्टली में इंटरेस्ट का पोर्शन मुझे मिल रहा है, राइट. अगर मैं देखना चाहता हूं कि व्हाट इज माय मैच्योरिटी अमाउंट, मतलब कि 5 साल के बाद जो मैंने डिपॉजिट 5 साल के जो डिपॉजिट किया था 5 साल के बाद कितना मिलेगा वो कितना है, तो मैं उसको कैसे निकाल सकता हूं, अपने प्रिंसिपल में जो मैंने डिपॉजिट किया था, राइट, उसमें मैं अपने प्लस कर दूंगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया होगा. ये वो पैसा है जो मुझे इंटरेस्ट के रूप में मिला, ये वो पैसा है जो मैंने डिपॉजिट करा, इन दोनों को अगर मैं क्लब कर लूं तो आई विल गेट माय अमाउंट, दैट इज माय मैच्योरिटी अमाउंट. शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं इसको, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आर. तो फ्यूचर जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर मोस्टली मैं अपनी जो कोडिंग है इस तरीके से लिखूंगा, राइट. प्रिंसिपल अमाउंट एस आई शॉर्ट फॉर्म लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि पूरा लिखना ऑब्वियसली आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इलैबोरेट, राइट, इन डीप, बट अगेन आई विल ट्राई टू यूज दिस वर्ड्स, राइट. अगेन इसके अंदर छोटी चीज बताया, तो सिंपल इंटरेस्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, अगेन मैंने बता दिया है कि इंटरेस्ट किसी भी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट का आना इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, राइट. बट व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, राइट. तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने किसी कंपनी में या किसी भी बैंक में 100 रुपए अगर डिपॉजिट करे हैं, राइट, टेक लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट, मान लेते हैं मैंने 100 रुपए डिपॉजिट करे, आज मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट करा है बैंक में, और उस बैंक में मुझे 10% का रेट मिलता है,
और मुझे मैं मान लेता हूँ कि मैं 2 साल के लिए 2 ईयर्स के लिए उसको डिपॉजिट करता हूँ। अब 2 साल के डिपॉजिट के 10% में 100 रुपये, 2 साल का मुझे कितना मिलेगा? मैं पहले क्या करूंगा, ऐसा ही फॉर्मूले के थ्रू तो निकाल लूंगा, लेकिन एग्जैक्टली मतलब क्या सिंपल इंटरेस्ट को बताने वाला। मान लो मेरा 100 का था, 1 साल खत्म हो गया, मुझे 10% इंटरेस्ट मिला, दैट इज 10 रुपी। ओके, अब 10 रुपी के बाद मुझे कितना हो गया मेरे 1 साल के बाद, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मेरे अकाउंट में कितना हो गया 110। दिस इज माई बिगिनिंग ईयर, राइट, फर्स्ट ईयर एंड ऑफ ईयर 10% मुझे इंटरेस्ट मिले 10 रुपये में, 100 रुपये के ऊपर 110 हो गया, राइट, दिस इज माई अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अगेन सॉरी, सेकेंड ईयर खत्म होता है, फिर से मुझे 10% मिलता है। अब 10% किस पे मिलेगा मुझे, जो मेरे बैंक में पैसा 110 बन गया उस पे मिलेगा या 100 पे मिलेगा? तो सिंपल इंटरेस्ट कहता है आपको आपका इंटरेस्ट जो है हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर मिलता है, ना कि आपके क्लब अमाउंट पे, राइट। तो आपका दोबारा से 10% जो कैलकुलेट होगा वो भी 100p होगा, दैट इज 10 रुपी। तो आपका एग्जैक्टली 2 साल के बाद आपकी जो मैच्योरिटी आएगी, जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा आपका, वो होगा 120 रुपीज, राइट। बट अगेन इन द केस ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वी हैव अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, राइट। मतलब कि अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात आएगी, हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल डेफिनेटली आफ्टर सिंपल इंटरेस्ट, उसमें जो हम चीज पढ़ेंगे उसमें ये होगा कि अगर मैं कुछ 100 रुपये में डिपॉजिट कर रहा हूँ, 1 साल मेरे 110 हो रहे हैं, तो जो मेरे को अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मुझे 110 पे मिलेगा, ना कि 100 पे, राइट। तो उसका मेरा जो उस टाइम पे जो इंटरेस्ट होगा ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अगर आज की बात करो तो बैंक्स में इंटरेस्ट, FD पे इंटरेस्ट, किसी भी चीज पे अगर इंटरेस्ट मिलता है हमेशा मिलता है कंपाउंडिंग पे, ना कि सिंपल पे। तो ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है पहले जमाने का, वही पढ़ते आ रहे हैं, बट ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में आजकल में इम्प्लीमेंट नहीं है। ओके, लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चंस। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपका और बेटर डिटेल आ जाएगी इसके ऊपर। ओके, सो गाइस, ये जो नोट्स मैं रेफर कर रहा हूँ ये मैं PPT के थ्रू या फिर आपके PDF के थ्रू YouTube चैनल या फिर एक लिंक शेयर कर दूंगा, उसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हो इजीली, राइट। फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोना टेक अ लुक ऑन इट एंड विल एलैबोरेट एंड विल एक्सप्लेन और कि क्वेश्चन क्या है एक्जैक्टली, और लिखूंगा जरूर मैं, ठीक है, जिससे कि आप इजीली देख पाओ, क्योंकि आपके सभी इस वक्त मेरे नोट्स अवेलेबल नहीं है। ओके, let's start with the first question. The question is sorry, what is the interest on a sum of rupees 20,000 at 6% for 2 years, right? Okay, the question हमें कह रहा है कि what is the interest on a sum of rupees 20,000 at 6% simple interest for 2 years? मुझे बताओ कि मेरा मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मेरा इंटरेस्ट का कितना पोर्शन है, मुझे बताओ, what is my interest? मेरा इंटरेस्ट क्या है? अगर मेरा sum of rupees 20,000, मतलब अगर मैं अपना 20,000 रुपए इन्वेस्ट करूं कहीं ना कहीं, आई नो इट इज नॉट डिस्क्राइब हियर, बट यस, सम इज नोन एज अ प्रिंसिपल व्हाट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट,
अगर मैं 20,000 रुपए सम अपना देता हूँ, पैसा देता हूँ 6% के ब्याज पर, किस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट, प्लीज सिंपल इंटरेस्ट जरूर पढ़िएगा। कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कंपाउंडिंग के ऊपर, तो कंपाउंडिंग लिखा हो सकता है, तो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, मतलब 2 सालों के लिए मैं अगर जमा करता हूँ 6% पर, तो मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, दैट इज वेरी सिंपल। द सॉल्यूशन SI इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। माई प्रिंसिपल इज, मैंने जो इन्वेस्ट किया अपना, राइट, आर मतलब 6% है तो नीचे लगा लेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज 2 years। इसको कैलकुलेट किया जाए तो हमारा क्या आ गया, 1200 एंड दिस इज माई इंटरेस्ट, राइट, जो 2 साल में मुझे मिला है अपने 20,000 पर। तो मेक श्योर कि आप इसको हाथ से ना करके कैलकुलेटर का यूज जरूर कीजिएगा। इफ यू आर गुड इन मैनुअली वर्क यू कैन डू इट, विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फ्यूचर एज वेल, ओके। बट ऐसा नहीं, बीकॉम के अंदर हमें कैलकुलेटर दिया जाता है, परमिशन है, तो हम उसको ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं, राइट, क्योंकि उसकी हर इंसान की गलती हो सकती है हाथ से, लेकिन कैलकुलेटर कभी गलती नहीं कर सकता, राइट। तो मेक श्योर कि आप सब कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे हो और इजीली निकाल रहे हो। तो दिस इज माय आंसर। अगर ये आपसे ये पूछता क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज माय अमाउंट, व्हाट इज माय मैच्योरिटी अमाउंट, तो हाउ विल यू गेट इट, देन यू विल गो फॉर दिस फॉर्मूला। अमाउंट निकालने के लिए पूछा जा रहा है इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट SI, कर दो, आपका था 20,000 प्लस SI आपका निकला 2400, तो आपकी मेच्योरिटी होगी 22,400 रुपए, राइट। यू विल गेट इट आफ्टर 2 years, आई वुड से एट द एंड ऑफ द 2 year, सेकंड ईयर, ओके। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड दिस इज द सॉल्यूशन। लेट्स अटेम्प्ट अनदर क्वेश्चन। I would like to give 10 more seconds so that you can understand the question easily, right? And then I will go for further. Take your time, guys. Okay. Okay, this next question. Again, find the amount at 6% simple interest of ₹50,000 due in 9 months. Right? पूछ रहे हैं हमसे कि फाइंड द अमाउंट, अमाउंट मतलब मेच्योरिटी अमाउंट, कितना होगा मेरा 9 महीने के बाद अगर मैं 50,000 रुपए डिपॉजिट करता हूँ 6% ब्याज पर, मतलब 6% के इंटरेस्ट रेट पर अगर मैं 50,000 रुपीज डिपॉजिट करता हूँ फॉर 9 months, व्हाट विल बी माय मेच्योरिटी, राइट। तो ये क्या हुआ हमारा इजिली प्रिंसिपल, क्योंकि अमाउंट पूछा जा रहा है तो ये क्या हो सकता है, प्रिंसिपल ही हो सकता है ऑब्वियसली। तो सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं, पहले SI निकाल लेते हैं। SI का फॉर्मूला प्रिंसिपल रेट टाइम, प्रिंसिपल है मेरा 50,000 एंड आर इज 6%, ओके। 9 months, नोटिस द पॉइंट गाइस, 9 months, इट्स नॉट अ ईयर, मंथ्स दे आर टॉकिंग अबाउट। मंथ्स की बात की जाती तो याद रखना 9 के नीचे हमेशा जो भी मंथ्स हुआ उसी से 12 लगेगा, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग दिस मंथ into our years. So how do we do that? Again, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 9 महीने में कितने साल होंगे, मतलब in ratio, in percentage, whatever, कुछ भी हो सकता है, कितने साल होंगे, तो 0 point something आएगा, वही चीज हमने यहां करी है। This is called a unitary method.
राइट। एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन 9 मंथ्स में कितने ईयर होते हैं? बिकॉज वी आर डिपॉजिटिंग दिस अमाउंट फॉर ईयरली बेसिस, जो 6% दे रखा है ईयरली बेसिस पे है, तो सारे बेस इक्वल होने चाहिए। अगर मैं इसको मंथ के बेसिस पे निकालता तो ये चीज मुझे 12 रुपए करने की जरूरत नहीं पड़ती, आंसर वुड बी सेम। बट फॉर सॉल्यूशन पर्सपेक्टिव वी हैव टू कन्वर्ट इनटू ईयर्स बिकॉज दिस परसेंटेज इज इन ईयर्स, सो द मंथ शुड बी कन्वर्ट इनटू अ